सोया संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और सोया संवाद में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के लातूर जिले के सोयाबीन उत्पादक और बहुत ही एक प्रोग्रेसिव फार्मर जिनको कहते हैं शिंदे साहब से। शिंदे साहब नमस्ते सर, आपका सोया संवाद में स्वागत है। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के साथ में भी आप जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये सिलसिला किस प्रकार से शुरू हुआ सोयाबीन की खेती की जहाँ तक बात करें। हमारे पर्टिकुलर जोन जो हमारा जोन है ऐसा जोन है, जियोग्राफिकल जोन ऐसा है, दक्षिण क्षेत्र, ज्यादा भी बारिश हो सकता है और कम भी बारिश आता है। तो हमारे देश में ऐसा रिकॉर्ड हो गया है कि हमारे लातूर को जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसे कभी कभी बारिश 100 मिलीमीटर होता है और कभी कभी ना के बराबर होता है 200 मिलीमीटर। इन्होंने स्पेशल रिकमेंडेड फॉर मराठवाड़ा जोन बुंदेलखंड जोन से उन्होंने एनआरसी 37 लगाया था, उसका बहुत ही अच्छा यील्ड आया था। तो 4-5 साल बहुत अच्छी आई एनआरसी 37। उसके बाद हम लगातार एनआरसी के जो भी कुछ एनुअल ग्रुप मीट होता था उसमें हम देखते थे कि अभी कौन सी वैरायटी आइडेंटिफाई हो और मराठवाड़ा जोन के लिए कौन सी है। तो अभी उनके अभी इतना पॉपुलर वैरायटी है एनआरसी 142 का मुझे सीड मिला था, इतना बढ़िया है। और हमारे महाराष्ट्र मराठवाड़ा जोन के लिए क्या होना चाहिए, तो मानसून का तो फोरकास्ट नहीं कर सकते बारिश आने वाला या नहीं है। तो ये एनआरसी की 142 इतनी बढ़िया वैरायटी है, मुझे कृपा से और ब्लेस से 142 का सीड मिल गया। तो मराठवाड़ा के किसान को क्या चाहिए, ड्रॉट टॉलरेंस वैरायटी चाहिए, पानी ज़्यादा आ गया तो भी वैरायटी अच्छी चाहिए, हाई यील्डिंग चाहिए, हार्वेस्टिंग की वैरायटी चाहिए। और जो हमारे एडीएम नाम के भी एक कंपनी है वहाँ, उसको लिपोपॉक्सिन और टीसीआई फ्री भी, ये सबसे ट्रीस का जो कॉम्बिनेशन इन्होंने किया है, हार्वेस्टिंग हो सकता है, लेबर शैटरिंग भी नहीं होता है और यूनिफॉर्म मैचरिंग होता है। ऐसी वैरायटी मुझे मिली थी 5 किलो से, अभी मैं 150 किलो बन चुका हूँ और मेरा अगला अपकमिंग सीजन जो 2023 में मैं एनआरसी 142 लगाऊंगा। आपको बताना चाहता हूँ कि शिंदे साहब जिस वैरायटी का जिक्र कर रहे हैं एनआरसी 142 उसका नाम है, इसके ऊपर कई सारे हमारे वीडियो भी बने हुए हैं और ये खाद्य गुणों के लिए उपयुक्त सोयाबीन की किस्म है। और अभी फिलहाल कुछ वर्षों से सोयाबीन के खाद्य उपयोग बढ़ाने की दिशा में भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। वो इसीलिए भी हो रहे हैं कि अभी सोयाबीन की जो हमारे देश में जो डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन अगर बढ़ता है तो एक जो किसानों की जो मंडी में जो रेट मिलते हैं उसमें एक स्टेबिलाइज होने में एक सहायता मिलेगी। और एनआरसी 142 ऐसी किस्म है, इन्होंने भी ये बताया कि ये KTI यानी कि ट्रिप्सिन इनहिबिटर से भी मुक्त है और साथ ही सोयाबीन में जो ये गंध आती है जो कि लिपोक्सिजिनेज 2 नाम के जो एंजाइम रहते हैं उससे आती है, और ये जो एनआरसी 142 ये दोनों जो है इससे मुक्त है, यानी कि हम ये कह सकते हैं खाद्य गुणों के लिए परिपूर्ण है। और दूसरी, शिंदे साहब ने एक बात ये भी करी कि ये जो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए भी उपयुक्त है, कंबाइन का प्रयोग कर सकते हैं कम पानी में अधिक पानी में, ये सब ऐसे कुछ गुण आप बता रहे कि इन्होंने करके देखे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा शिंदे साहब, हाँ यस सर, कि आप इस वैरायटी का उत्पादन, मतलब जैसे कि हम मानते हैं कि महाराष्ट्र के ऐसे कुछ एक जिले हैं और आप तो लातूर जिले से हैं मराठवाड़ा, तो वहाँ की एवरेज प्रोडक्टिविटी कितनी है सोयाबीन की मराठवाड़ा में? एवरेज प्रोडक्टिविटी 7 क्विंटल है, लेकिन मैं एकड़ के हिसाब से, हाँ, पर एकड़ के हिसाब से हमारा बीघा नहीं चलता। आपको कितना मिलता है एक एकड़ में, कितना उत्पादन? ये डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेट सर, ऐसा तो सोयाबीन एक ऐसा क्रॉप है जो भी अपन टारगेट करे तो ये पूरा ये जो मानसून पैटर्न है बिल्कुल सही है, तो ये फ्रीक्वेंट है वर्षा आधारित फसल है, हाँ वर्षा आधारित, तो इसमें ऐसा एस ठोस प्रोटोकॉल नहीं बता सकते, ये तो इसमें तो फ्लक्चुएशन आता है। लेकिन अगर डिबलिंग करे, मैनेजमेंट करे, BBF का प्रयोग करे तो 15 क्विंटल तक आसानी से जा सकते, 15 क्विंटल प्रति एकड़ की बात करें। बिल्कुल साहब, कोई दिक्कत। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा शिंदे साहब कि आप सोयाबीन की खेती किस प्रकार से करते हैं? किसान का ये इसमें जो ऑब्स्टेकल है, हर्डल से, उसमें जेन्युइन सीड्स सोर्स जो सीड है वो मिलना चाहिए, गुणवत्ता वाला जो बीज, और उसमें बीबी
ईपीएफ, चाहे आपने तो मानसून का तो कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता, चाहे वो ड्रॉट के लिए भी आप उसमें प्रिपरेशन करना पड़ता है, और एक्सेस मॉइस्चर हो गया तो भी इसके लिए बीबीएफ ये सबसे बेस्ट है, और डिबलिंग सबसे अच्छा है। आप डिबलिंग पद्धति से करते हैं? हाँ यस, अभी उसमें मैकेनाइजेशन हो गया है, और हैंड पुश का अभी एक बहुत अच्छा ऑपरेटर आया है, 7,000 में मिलता है, सीड की भी बचत होती है, और डिबलिंग में सब तुम्हारा मिनरल्स वाटर ये पूरा मिलता है, और बीबीएफ मेथड से अच्छा। तो आपका मानना है कि बीबीएफ पद्धति को अपनाना है? बिल्कुल। एक दो है डिबलिंग पद्धति का आपने ये किया है। हाँ। सही समय पर कीट या रोग प्रबंधन आप करते हैं? बिल्कुल। क्या आप बीज उपचार करते हैं या ये तो करना सर, अगर सीड ऑफ सोर्स, सीड ऑफ ट्रीटमेंट, बीबीएफ मेथड और टाइमली वीड, वाटर मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, और ये सब चीजें आप उसका विशेष ध्यान रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हर साल तो अभी पैटर्न, अभी रिसर्च बहुत हो गया ये 10 सालों में, तो हर एक यूनिवर्सिटी का, हमारे मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, कृषि विश्वविद्यालय, हमारे मेत्रे साहब है, हाँ मेत्रे साहब है, उनकी 725 और 712 बहुत अच्छी है, सैटरिंग नहीं होती, लॉजिंग नहीं होती, और ड्रॉट टॉलरेंस वारंटी, हमारी यूनिवर्सिटी का 712 और 725 अभी भी कुछ किस्में है वहाँ पे। हाँ हाँ, 71 बहुत अच्छी चली उनकी वो भी, और मैकेनिकल हार्वेस्टर के लिए हमारे डॉक्टर एसके बेग सर ने एक बहुत अच्छा इनोवेशन किया, कल लेबर का शॉर्टेज था, लेबर ने तो 161 का उन्होंने फाउंडेशन करा दिया, फिर हमारे एमएससीएस जो महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर सोयाबीन कल्टीवेशन, डॉक्टर फिलिप सर में उसमें हॉर्टिकल्चर प्लस हाई यील्डिंग प्लस हार्वेस्टिंग के 1188 की चालू किया। अभी जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 20116 भी है जी, जी। और अभी 2172 एक नई आई है, अभी 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 गैजेट नोटिफिकेशन हुआ है, वो भी बहुत अच्छी है, उसका दाना भी बोल्ड है। अभी मैकेनिकल हार्वेस्टिंग, ये लिपोक्जीन, टीसीआई फ्री का जो एनआरसी का बहुत योगदान हो रहा है, और इसीलिए सोयाबीन में अभी लोग उन्नति कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। अगला प्रश्न पूछने वाला था कि महाराष्ट्र में मैंने देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से समर कल्टिवेशन का पैटर्न बहुत बड़ा है, चलन बहुत बड़ा, हर कोई, मुझे भी कई सारे फोन आते हैं। ये तो अपेक्स इंस्टीट्यूट है सोयाबीन की, तो इसका सही में रबी या समर में कल्टीवेशन करना या न करना, इनके इंस्ट्रक्शंस इन्होंने देना चाहिए। तो किसान क्या है, किसान को सीड के लिए कुछ इतनी गुणवत्ता आती है क्या समर की? रबी आपने इतना सालों से आपका अनुसंधान चालू है, रिसर्च चालू है, अगर रिकमेंडेड नहीं है तो आप उनसे, ये प्रोटोकॉल में आता है क्या तुम्हारे जी? अगर ये पैटर्न चलता रहेगा तो डिसीज बढ़ते रहेगा। बिल्कुल। हाँ किसान, और भाइयों जैसे कि अब इन्होंने बताया कि एक एक बीमारियों की एक साइकिल चलती रहती है, अगर उसको फसल लगातार मिलती रहे तो बीमारी खत्म नहीं होगी, तो उस दृष्टिकोण से एक चीज ये होती है कि जैसे कि अगर तांबे रहा, मराठी में उसको कहते हैं, या हिंदी में अगर रस्ट कहते हैं, रस्ट और जो गेरुआ जिसको कहते हैं, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो लगा हुआ बॉर्डर है वहाँ से उसकी शुरुआत होती है, तो ये इस प्रकार से एक स्ट्रैटेजी बनी थी कि हम उसको कंट्रोल कर पाए, क्योंकि उसमें लगातार फसल नहीं लेते हैं, लेकिन अगर लगातार फसल मिलेगी तो वो जो रस्ट के या बीमारी के जो जीवाणु है या स्पोर्स है वो मिलते रहेंगे, और जो अभी हमारी फसल खरीफ में लेते हैं जो कि अच्छा उत्पादन मिलता है वो भी शायद प्रभावित हो सकता है। तो अंतिम कड़ी में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप हमारे जो दूसरे किसान है, चाहे वो लातूर जिले के है, महाराष्ट्र के है या मध्य प्रदेश के है, आप क्या उनसे सलाह देना चाहेंगे कि सोयाबीन के बारे में, अगर 2-3 बातें अगर कहना चाहे तो क्या सलाह होगी? अगर सोयाबीन कल्टीवेशन में अच्छा गुणवत्ता पाना है और यील्ड पाना है जी, जो भी आपके जोन के लिए वैरायटी है जी, जो भी आपका जो भी रिकमेंडेड है, वो वैरायटी का सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सीड ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारा डॉट, चाहे वो आने वाला सीजन ड्रॉट हो या एक्सेस हो, बीबीएफ अप्लाई करना, और फ्लावरिंग के टाइम पे मोलिब्डेन का स्प्रे अच्छा बहुत जरूरी है, और हार्वेस्टिंग मैच्योर के बाद एक फंगीसाइड, अगर अच्छा। आप अच्छा गुणवत्ता वाला सीड देना चाहते हैं बीज के रूप में जो रखना चाहते हैं सीड प्रोडक्शन के, और क्वालिटी का सीड हो तो ही आपके कोलैबोरेशन करके अदर फार्मर्स को देना है, और ये जो पैटर्न चल रहा है सीड मल्टीप्लाइजेशन, रैपिड सीड जनरेशन, और उसमें कमाना हर एक का मकसद है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का नहीं है। मैं देख रहा हूँ अभी समर सोयाबीन का जो क्रॉप
ये ट्रेंड चालू है हर एक कोई वैरायटी का रैपिड जनरेशन का, तो उसमें अच्छी गुणवत्ता नहीं आ रही। जो 90 डेज का क्रॉप है सनशाइन अच्छा मिल रहा है, ये अडाप्टिव है क्या, सनशाइन भी मिल रहा है, ये थर्मल है, थर्मल और हीट टॉलरेंट सोयाबीन है, 90 डेज की वैरायटी 120 डेज ले रही है, तो ये इंसेक्ट और पेस्ट के लिए बहुत फेवरेबल क्लाइमेट मिल रहा है। और आने वाले सीजन में अगर ऐसा ही क्रम चालू रहेगा खरीफ रब्बी और सोयाबीन, तो पेस्ट के लिए होस्ट का क्रॉप बन जाएगा और कुछ दिनों के लिए आपको सोयाबीन की खेती छोड़ना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपको ऐसे लगता है। बाकी ऐसे ही किसी और प्रगतिशील किसान से हम आपको मिलाएंगे सोया संवाद की अगली कड़ी में, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार आपका, धन्यवाद धन्यवाद।